दीपावली पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो कुम्हारों के चाक थिरकने का नाम नहीं ले रहे। कुम्हार सुबह से उठकर मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए, लेकिन इस बार दीपावली खास हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिट्टी से इस बार कुम्हार खास तरह के दिए तैयार कर रहे हैं जो सीधे सीधे चाइना के दीपकों के टक्कर देगा। यह दिया जो चाइना की रोशनी होगी उसको कहीं ना कहीं कम करेगी, चाइना की वह बने झालरों से बेहतर इसकी रोशनी जगमगाएगी और घरों को रोशन करेगी। सुबह से ही संगम की मिट्टी और प्रयागराज की मिट्टी मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की मिट्टी से लाए जो दिए कुम्हार बना रहे हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर दिए तैयार करने में जुट गए हैं। लगातार दिए कि जो डिमांड इस बार देखने को मिल रही है इसी से कुम्हारों को उम्मीद भी जग रही है कि अगर 2 साल कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं त्यौहार फीका रहा और दिए मिट्टी के दियों की बिक्री में कमी रही तो इस बार कुम्हारों की उम्मीद भी जगी है और उनको आर्थिक इनकम भी ज़्यादा होने वाली जिसको लेकर तैयारियां लगभग तेज़ हो गई। इस बार लगभग 40 रुपये में 100 दिए मिट्टी के देंगे, उनका एक रेट निर्धारित किया और ख़ास तरह की मिट्टी से ये दिए तैयार किए गए जिससे दीपक की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रहे, इसका भी पूरा ध्यान में देकर ये तैयारियाँ कुम्हार कर रहे हैं और प्रयागराज में विशेष तरह की मिट्टी से ये दीपक तैयार किए जा रहे हैं। शहर के कुम्हारों ने चाइनीज़ दियों का इंडियन मॉडल भी तैयार किया है। इस दियों का इंडियन मॉडल का लुक देने के लिए कुम्हारों ने मेहनत की है, अपने हाथों से इसे आकार दिया है। उनका कहना है कि इस वर्ष बाजार के लिए यह पूरी तरह से नई चीज़ होगी। इसे बनाने में कुम्हारों का पूरा परिवार जुटा है। लोग चाइनीज़ लाइट का करेंगे विरोध, इसलिए कुम्हार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस वर्ष लोग भी चाइनीज़ लाइट और कैंडल्स का विरोध करेंगे। ऐसे में दिए की बिक्री ज़्यादा होगी और हर घर में मिट्टी के दियों से रोशन होगा। 6 महीने से ही दिवाली की तैयारियां कुम्हारों ने शुरू कर दिया। लगभग मिट्टी के बहुत सारे दिए बन के तैयार हो चुके हैं और सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी के और दिए तैयार भी हो रहे हैं। इस बार समय अधिक मिलने के कारण डिमांड से ज़्यादा उत्पाद तैयार कर लिया गया है। हालांकि खरीदार कम रहे हैं लेकिन कई कुम्हारों के पास दूर दराज से भी व्यापारी पहुँचते हैं और पहुँच रहे हैं। आम समय में जहाँ औसतन 10 व्यापारी आते थे इस वर्ष यह संख्या 5 तक पहुंच गए, लेकिन यह खास बात है कि पिछले 2 वर्षों से अधिक इस वर्ष में कमाई की उम्मीद कुम्हार जता रहे हैं। पिछले साल से अब अच्छा आपकी बार बहुत अच्छी है, लोगों की डिमांड बहुत है और जो है आदमी हर तरीके डिजाइनर दियाली वगैरह फैंसी आइटम मांग रहे हैं। ज़्यादातर तादाद में आदमी मांग रहे हैं और जो है उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हम लोगों को जो है अगले साल जो है घाटा हुआ था उसमें जो है प्रॉफिट हो जाए। इस साल उम्मीद पूरी है, चाइना का टक्कर हम लोग देने के लिए तैयार है। जो चाहिएगा वो सब बन रहा है, जो आप मांगिएगा वो सब बनेगा। कोशिश तो यही है कि पूरी तरह से जो दिए बन रहे हम लोग डिज़ाइनर वो बिकेंगे मार्केट में पूरी तरह से। चाइना का बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं, उसको करना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों की जो है इतना मेहनत होने के बाद भी जो है नहीं बिका था। अगले बार जो मिट्टी का ही बनाएंगे उसको जो है बेचना हम लोगों का काम है। ज़्यादातर में हम लोग बिरादर बना के उसको बेचेंगे, बहुत उम्मीद है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जो है इसको बिकने के लिए आगे किया जाए। डिजाइनर को चाइना के रेंज से तो कमी है, जो शादी दिया है वो 40 रुपये की 100 है, बड़े दिया है 70 रुपये 80 रुपये ऐसे ही रेटे हैं। जो अलग अलग डिजाइनर के हैं उसी तरीके के रेट। हाँ बहुत लॉस हुआ तो उसमें तो काफ़ी लॉस हुआ था, जो हम लोग का कुल्लर चाट का कुल्लर प्याला वगैरह शादी में जाता था तंदूर वगैरह कुछ XYZ कुछ नहीं बिका। अब जो है बिकेगा, शादी ब्याह अच्छे से होगा, कम से कम 8 महीने से चालू कर देते हैं तब जाके दीपावली दिन हम लोग वही कमाई रहती है। और लगन में महिलाएं इतनी समय हमारे घर में ग्वालिन बना रही हैं जिसकी जो है दीपावली बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और ज़्यादा से ज़्यादातर में हम लोग यहाँ बिकती है। अनिल कुमार प्रजापति, इस बार तो काफ़ी मांग बढ़ी है जी। पिछले बार तो ऐसा दिक्कत हुआ था कि कुछ दिखबे नहीं भैया, जब दिखता नहीं तो क्या करें, क्या खाएँ, क्या पिए। इस बार जो है इस तरीके की मांग है कि लोग पसंद कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी डिजाइन हो। मांग बढ़ी है, मांग तो बढ़ी है काफ़ी जी। टक्कर तो दे रहे हैं हम लोग चाइना को। हाँ, नाम छेदीलाल प्रजापति।